सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी और एसटी के आरक्षण को लेकर फैसला क्या सुनाया, मानो बवाल ही मच गया। भारत बंद का आह्वान किया गया है और कई राज्यों में भारत बंद का असर भी दिखाई देने लगा है। इसमें चाहे वो बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्यों ना हो, ऐसे कई और राज्य हैं जहां पर भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध करने के पीछे के मायने क्या है? आखिर जो संगठन, जो परिषद है जिनकी तरफ से विरोध का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है, उनकी मांगे क्या है? भारत बंद के दौरान कौन सी चीजें खुली रहेंगी, कौन सी चीजें बंद रहेंगी, ये सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरक्षण को लेकर एक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ कई संगठन जो हैं अब उनके फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा बसपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रीय परिसंघ NACDAOR ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय और समानता की मांग इस लिस्ट में शामिल है। संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद के एक नए अधिनियम के अधिनियमन में मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षित किया जाएगा। ये जो संगठन है, इसने सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी करने की भी मांग की है, ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की भी मांग की जा रही है, जिसका लक्ष्य हायर जुडिशियरी में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व लेना है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी ब्लैकलॉग रिक्तियों को भरने का आह्वान किया गया है। भारत बंद का असर हर जगह पर नजर आ रहा है। इसमें जहानाबाद शामिल है, जहां पर भारत बंद का असर नजर आ रहा है। सड़कों पर समर्थक उतर आए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है। राजस्थान के 12 शहर में भी भारत बंद का असर नजर आ रहा है, प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो बिहार में भी और रामगढ़ में भी भारत बंद का असर नजर आ रहा है। 1 अगस्त को इस बारे में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, जनजाति रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी थी। कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का था। इसमें कहा गया कि एससी, एसटी उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती। इसमें 2 शर्त लागू होगी। एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना ही चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था, जिनमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे ही रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बसपा, आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है और ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है और कहा यह जा रहा है कि इसी तरह उनका समर्थन जारी रहेगा जब तक इस फैसले पर विचार विमर्श दोबारा से नहीं किया जाता। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनके नेता इस भारत बंद को समर्थन देते नजर आ रहे हैं।
भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किए। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम भी उठा रहे हैं। बता दें कि भारत बंद के दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, तो कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। ये सेवाएं जारी रहेंगी, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से तो नहीं आया है, इसलिए बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे ऐसा माना जा रहा है। तो भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है और भारत बंद के पीछे मांग क्या हो रही है, कौन से राजनीतिक दल हैं जो अपना समर्थन भारत बंद को दे रहे हैं, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का आह्वान और कितना लंबा रहने वाला है और कब तक रहने वाला है और कितना बड़ा रूप लेने वाला है आने वाले दिनों में। आप क्या अपनी राय रखते हैं भारत बंद को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, हमें आप कमेंट कर बता सकते हैं। और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।